स्वागत है आपका शॉर्ट नोट्स में। आज का टॉपिक है वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव। आइए देखते हैं ये चर्चा में क्यों है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने लोकसभा, राज्य विधानसभाओं, नगर पालिकाओं और साथ ही पंचायतों के लिए एक साथ चुनाव कराने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर 2 सितंबर 2023 को एक 8 सदस्यीय कमेटी पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित कर दी, जिसके कारण पक्ष और विपक्ष में बहस छिड़ गई है। कमेटी ने 191 दिनों तक एक्सपर्ट के साथ चर्चा करने के बाद 14 मार्च 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को रिपोर्ट सौंप दी। क्या है एक देश एक चुनाव? भारत में एक देश एक चुनाव की अवधारणा का उद्देश्य लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनावों को सिंक्रोनाइज करना है, यानी देश में होने वाले लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होगा। इन चुनावों को एक साथ एक ही दिन या एक निश्चित समय सीमा के भीतर कराने का विचार है। क्या एक राष्ट्र एक चुनाव नई अवधारणा है? एक राष्ट्र एक चुनाव यह कोई नई अवधारणा नहीं है। देश की आजादी के बाद 1950 और 60 के दशक में 4 बार साल 1951-52, 1957, 1962 और 1967 में ऐसा हो चुका है, लेकिन उस वक्त भारत में कम राज्य थे और आबादी भी कम थी। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 1967 तक राज्य विधानसभाओं और लोकसभा के लिए एक साथ चुनाव होते थे। हालांकि 1968, 1969 में कुछ विधानसभाओं और 1970 में लोकसभा के विघटन के बाद कुछ विधानसभाओं को समय से पहले भंग कर दिया गया था। इससे चुनावी बदलाव के लिए मजबूर होना पड़ा। एक राष्ट्र एक चुनाव के पक्ष में राय। एक राष्ट्र एक चुनाव का प्राथमिक लाभ चुनाव कराने की लागत में कमी है, क्योंकि अलग अलग चुनाव के लिए भारी मात्रा में वित्तीय संसाधनों की जरूरत होती है। 2. एक साथ चुनाव होने से प्रशासनिक और सुरक्षा बलों पर बोझ कम होगा। 3. एक राष्ट्र एक चुनाव कराने से सरकार चुनावी मोड में रहने के बजाय शासन पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकती है। 4. विधि आयोग के मुताबिक एक साथ चुनाव से मतदान प्रतिशत में वृद्धि होगी, क्योंकि लोगों के लिए एक साथ कई मतपत्र डालना ज्यादा आसान होगा। एक राष्ट्र एक चुनाव के विपक्ष में राय। एक राष्ट्र एक चुनाव को लागू करने के लिए संविधान और अन्य कानूनी ढांचे में भी बदलाव की जरूरत हो सकती है। 2. एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होगी और फिर इसे राज्य विधानसभाओं में भी ले जाना होगा। 3. एक राष्ट्र एक चुनाव का विरोध करने वालों का कहना है कि इस तरह का विचार संघवाद और क्षेत्रीय लोकतंत्र को कमजोर कर देगा। उनका कहना है कि इससे अंतर्राष्ट्रीय पार्टियों को क्षेत्रीय पार्टियों की तुलना में अधिक लाभ मिलेगा। उनका ये भी कहना है कि ऐसा अभ्यास महंगा और तार्किक रूप से चुनौतीपूर्ण होगा। 4. इसके अलावा चिंता ये भी है कि क्षेत्रीय मुद्दे राष्ट्रीय मुद्दों पर भारी पड़ सकते हैं, जिससे राज्य स्तर पर चुनावी नतीजे प्रभावित हो सकते हैं। 5. इसमें सभी राजनीतिक दलों के बीच सहमति एक बड़ी बाधा है। क्या अन्य देश भी इसी तरह चुनाव कराते हैं? अगर भारत किसी तरह एक साथ चुनाव लागू कर देता है तो वह ऐसी व्यवस्था वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। वर्तमान में दक्षिण अफ्रीका, बेल्जियम और स्वीडन ही ऐसे देश हैं जो एक साथ चुनाव कराते हैं।